आज के ट्यूटोरियल में हम लोग कवर करेंगे बेस टैग को। अब देखिए बेस टैग काम क्या करता है, जैसे आपने पिछली पुरानी ट्यूटोरियल्स के अंदर IMG SRC टैग को पढ़ा हुआ है, इमेज सोर्स को। उसमें क्या होता था कि जब आप कोई भी इमेज मेंशन करते थे तो आप लोग को वहाँ पे फुल पाथ सेट करना पड़ता था। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पे नोटपैड पे चलते हैं, तो जस्ट नोटपैड को हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं और इसके अंदर एक इमेज सेट करने का ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट थिंग HTML सेक्शन और इसके अंदर एक बॉडी वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। एट टाइम्स को क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे बॉडी को, और ये हमने HTML को कर दिया यहाँ पे कंप्लीट बंद। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको इमेज पुट करना है अपनी स्क्रीन पे वेब पेज की, तो आप लोग ऑलरेडी IMG SRC पहले ही आप लोग पढ़ चुके हो। तो इसमें क्या होता था कि जब आप लोगों को कोई भी इमेज अपनी वेब पेज की स्क्रीन पे डिस्प्ले करना होता था तो आप लोग उसका फुल एक पाथ देते थे। यानी कि अगर मेरे पास कोई इमेज अवेलेबल से, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे HTML नाम के फोल्डर्स के अंदर यहाँ पे वॉलपेपर 2020 में कई सारे वॉलपेपर अवेलेबल्स हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक आप लोगों को 1 नाम की एक फाइल दिखाई दे रही है, एक 2 नाम की एक आपको इमेज दिखाई दे रही है। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली इस इमेजेस का नाम यहाँ पे मेंशन करूँ, जैसे मैंने फर्स्ट इमेज का नाम मेंशन कर दिया 1, देन .jpg, ओके। और इसे अगर मैं यहाँ पे सेव करके रन कराऊँ, तो यहाँ पे इसको हम लोग img.html के नाम से सेव कर लेते हैं, ओके। चेक करके देखते हैं अपने ब्राउजर की स्क्रीन पे ये शो करती है या नहीं करती। तो चलते हैं ब्राउजर्स की स्क्रीन पे, ओके। अब यहाँ पे ओपन करके देख लेते हैं अपनी फाइल को। तो जस्ट यहाँ पे Ctrl+O और हमारी फाइल जो हमने सेव की थी img के नाम से सिलेक्ट करके ओपन करते हैं। तो नोटिस कीजिए, ऊपर आप लोगों को फाइल यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा। अब ये डिस्प्ले इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हम लोगों ने जो यहाँ पे भी HTML की फाइल बनाई थी, इसमें हमने कम्प्लीटली पूरा पाथ सेट नहीं किया था। तो अब जस्ट सपोज कीजिए, आप लोग अपनी वेबसाइट्स के अंदर अपने पेज में अगर 50 या 100 इमेजेस एक साथ पुट करा रहे हो और आप लोगों को हर किसी इमेज का पाथ सेट करना पड़े, तो आप लोगों को तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे बेस टैग का। अब देखिए बेस टैग जो चलता है आप लोगों का, वो अपना हेड टैग के साथ में काम करता है। यानी कि ये आप लोगों का डायरेक्टली काम नहीं करेगा कि आपने बॉडी सेक्शन के बीच में से मेंशन किया और ये काम कर जाए। तो इसके लिए कंपलसरी आप लोगों को यहाँ पर हेड टैग का यूज़ करना पड़ेगा। और इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप लोग एक HTML फाइल के अंदर एक ही बेस टैग को यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको चलाएंगे कैसे आप लोग, तो चलाने के लिए सिंपल हम लोग यहाँ पे बॉडी के ऊपर एक हेड टैग को स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट लाइक ये मैंने हेड टैग को स्टार्ट किया और एट टाइम यहीं पर मैं अपने हेड टैग को क्लोज कर देता हूँ, ओके। अब इसके बीच में आप लोग बेस टैग को अगर यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर चालू कीजिएगा बेस, देन इसमें आप लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर हारिफ यूज़ करिएगा। एंड इसके अंदर अब आप लोग मेंशन कीजिएगा जहाँ भी आप लोगों का फोल्डर है। अब ध्यान रखिएगा, आप लोग जो भी फोल्डर्स और जो भी आप लोग HTML की फाइल बना रहे हैं, यानी जो नोटपैड की आपकी फाइल है, इन दोनों की लोकेशन आपकी सेम होनी चाहिए। जैसे अभी हमने फाइल अपनी सेव की है वो हमारी अवेलेबल से डेस्कटॉप पे यहाँ पर HTML नाम के फोल्डर के अंदर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारी जो फाइल अवेलेबल से IMG नाम की, वो हमारी यहाँ पर HTML नाम के फोल्डर्स में, और यहीं पे मेरे पास एक फोल्डर अवेलेबल है वॉलपेपर 2020 के नाम से। तो यहाँ पे दोनों की लोकेशन सेम है, ओके। तो वापस अपन नोटपैड की स्क्रीन पे दोबारा आते हैं और यहाँ पे हारिफ के बाद आप लोग यहाँ पे डबल कोटेशन में अपने फोल्डर का नाम मेंशन कीजिए जिसमें आपकी सारी इमेजेस अवेलेबल से। तो हमारा जो फोल्डर अवेलेबल से वो यहाँ पर वॉलपेपर 2020 के नाम से, तो इसके नाम को हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और वापस चलते हैं नोटपैड की स्क्रीन पे और डबल कोटेशन के बाद इसको पेस्ट कर देते हैं। फिर एक स्लैश एक्स्ट्रा लगाइएगा और डबल कोटेशन को क्लोज करके आप लोग ये सेक्शन कीजिए बंद। इसके बाद आप लोग यहाँ पे बेस नाम के टैग को क्लोज कर दीजिएगा। अब जरा नोटिस कीजिए, पहले जब हम लोगों ने इसे रन कराया था तो हमारी इमेज जो थी 1 नाम की वो शो नहीं कर रही थी। अब देखिए मैं इसे दोबारा सेव कर रहा हूँ और वापस चलते हैं ब्राउजर की स्क्रीन पे एंड जस्ट रिफ्रेश करें, तो नोटिस कीजिए आप लोगों की इमेज सामने डिस्प्ले करा के आपको शो कर रहा है। अब सेम कंडीशन ऐसे मुझे अगर दूसरी इमेज भी यहाँ पे शो कराना है तो मैं इसके लिए अगेन यहीं पे दोबारा img src टैग को यूज़ करूँगा और सेकेंड जो मेरे पास इमेज है वो 2K नाम से है एंड jpg, और ये किया हम लोगों ने इस टैग को क्लोज। सेव करते हैं, चेक करा लें, तो जस्ट लाइक F5 रिफ्रेश कीजिएगा तो आप लोगों की फर्स्ट नंबर फाइल एंड नीचे देखिए आपको सेकेंड आपकी इमेज शो करके दिखा रहा है। बाकी इमेज का साइज वगैरह वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। तो इसमें बेनिफिट ये हो गया कि अब आप लोगों को बार बार img src के अंदर अपनी इमेज का पाथ सेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि बेस टैग हमारा कैसे काम करता है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोग बस इतना ही बात करेंगे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।